मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन फाइनली 1:30 बजा और आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए मेरे जन्मदिन पे। हर साल आप लोग आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यार से, इतने गुड विशेज़ के साथ आते हैं मुझे मिलने। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट, सो थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आ पाया, क्योंकि वैसे तो मेरी शूटिंग चल रही थी, लेकिन विक्टर जी ने मुझे 2 दिन छुट्टी दी है बर्थडे के लिए और मैं सडनली आ पाया। एक्चुअली मुझे लास्ट नाइट पता लगा तो मैं बड़ा खुश था। और किरण जी ने आज मुझे सरप्राइज़ दिया एयरपोर्ट पे, पिकअप करने आई, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आ पाया और किरण आज़ाद अम्मी के साथ मैं अपना जन्मदिन बिता सकता हूँ जैसे हर साल मैं बिताता हूँ। सर, इस बार आप इंस्टाग्राम पे एंट्री किए और अम्मी की तस्वीर भी डाली, जरा ये हाँ 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 हा। आज मैंने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया है और आज चूंकि मेरी सालगिरह है जी, और जिस इंसान की वजह से मैं यहाँ आज मौजूद हूँ, मुझे लगा मैं शुरुआत उनसे ही करूँ, उनकी तस्वीर से। जो कुछ भी मैं हूँ आज अम्मी की वजह से हूँ। How do I reflect the year gone by? Well, it's been a great year, yeah. We've had a wonderful success in Secret Superstar, and I've been very fortunate to actually this year, in the year that's gone by, I've got the chance to work with Mr. Bachchan. So it's my dream come true to work with him, and I'm really enjoying that process. So it's been a great year. On the personal side, though? Personal side also, yeah. On the personal side, how do we reflect the year? No, it's been a great year. बिकॉज आई एम शूटिंग यहाँ, क्योंकि मेरी शूटिंग जोधपुर में है, इसलिए बर्थडे थोड़ा आज इस दफ़ा बिजी है। मैं लकीली फ्लाइट पकड़ के आ पाया और फिर मुझे 1-1.5 दिन के बाद वापस जाना है।
Well, actually, Kiran told me that she's been on Instagram for a while and she's really enjoyed that process, so I thought I'd also try it. How much is Aamir excited about your birthday? Yes, yes. I'm very happy to tell you. Thank you. Thank and Kiran, much appreciated that you went to the airport and surprised him. Aamir, आने वाले साल से सबसे ज़्यादा आपको अपेक्षाएं क्या किस चीज़ की हैं इसका जवाब दीजिए उसके बाद एक और पूछूंगा आने वाले साल में मुझे उम्मीद है कि जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त थग्स पे वो अच्छा हो और फिल्म अच्छी बने लोगों को बहुत पसंद आए और जो अमित जी और मैं एक साथ काम कर रहे हैं वो एक यादगार फिल्म हो ये मुझे उम्मीद है फिल्म से कल रात भी मैंने अमित जी के साथ शूटिंग की तो ये सही है कि शोल्डर में उन्हें तकलीफ है पीठ में तकलीफ है क्योंकि इस फिल्म में एक्शन भी बहुत है अमित जी का बहुत सालों बाद आई थिंक आप लोग अमित जी को एक्शन करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंजिंग फिल्म फॉर हिम एंड ही इज़ कोपिंग वेरी वेल विथ इट बट कभी कभी फिजिकली तकलीफ होती है शोल्डर में उनको इंजरी है बैक में इंजरी है तो परसों रात को ज़्यादा तकलीफ थी बट ही इज़ बेटर नाउ And yesterday we shot together. Amir sir, Amir sir. Amitabh Bachchan is the first one to be shoot. Did that come true? Yeah, actually it was. Because हम लोग shooting कर रहे थे और suddenly मैं तो भूल गया time क्या हो रहा है और suddenly मुझे mic पे अमित जी की booming आवाज़ mic पे आई और उन्होंने mic पे मुझे पूरे unit के सामने wish किया तो suddenly I got a start and you know I was very happy that he was the first person. मैंने कहा भी था कि I wish he's the first person to wish me and it, as it turned out it was that's exactly what happened. He was the first person to wish me. Aamir sir, out of top 5 Indian highest grossing films, 3 films are yours. Yes. So how do, what is your secret formula onto it, sir? Well, secret formula मेरा कुछ नहीं है. मैं फिल्में करता हूँ जो मेरे दिल को छूती हैं और मुझे खुशी है कि जो फिल्में मैं चुनता हूँ और जिन directors और writers के साथ क्रिएटिव लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है वो फिल्में अच्छी बनती हैं और ऑडियंस को भी पसंद आती हैं तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरी फिल्में जो हैं लोगों को इतना लुभाती हैं इतनी पसंद आती हैं और सीक्रेट सुपरस्टार सर आज़ाद ने कुछ तोहफा दिया है कुछ सरप्राइज प्लान आज़ाद का अभी तो मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा The business has grown from 500 million to almost 10 billion this year. Why is it that the Indian film industry can't do something about the numbers? Well, I think India has as big a potential, you know, as China. It has as big a potential. I just feel that the kind of investment that China has done, the entertainment business in China, and I suppose the administration has also been supportive of that. They have built a lot of screens, and so that is why their business has gone up many fold. I think in India also, if we build many more theatres, it's such a large country, and with such a huge population, if we build many more theatres, then you will see the same kind of growth in the entertainment industry, in the film industry, in India also. So it's just a matter of building the infrastructure of theatres, I think. Sir, can you see Pulse of Hindustan releasing simultaneously in China as India? I don't know. That's the process that, you know, hopefully we will try and achieve, but I'm not sure of how that works. Kiran ma'am, aapne kis tarike se taiyari ki thi 14 March ki, kyunki aap surprise dekar ke bhi aayi hain abhi sir ko. Nahi, actually hame pata nahi tha ki wo aa payenge ki nahi, to ek plan to ye tha ki main unko wahan surprise karungi. पर कल उनका फ़ोन आया कि शायद मैं आ पाऊँगा और तो मैंने कहा एटलीस्ट एयरपोर्ट तक तो मैं जा ही सकती हूँ और एयरपोर्ट में सरप्राइज करूँगी तो द वन बैड हैबिट आई हैव इज़ दैट आई एम अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है नहीं दैट्स नॉट अ हैबिट दैट्स योर पर्सनैलिटी दैट्स माय पर्सनैलिटी हाँ हैबिट नहीं लेपर्ड चेंजिंग इन स्पॉट्स But habit, what is my bad habit? I think smoking. Smoking. तो आपने छोड़ी थी बीच में. नहीं वो छोड़ी थी लेकिन हाँ तो वो मुझे छोड़नी है सिगरेट. That's a bad habit which I hope to leave. कौन सी बात है जो आप चाहती हैं कि अमृतसर में कभी बदले ना हमारे से कौन सी चीजें जो आप चाहती हैं कि बदले जल्द से जल्द बदल जाए वो चीज. हाँ हाँ बोलिए मुझे भी सुनना है. कौन सी बात मैं बदलूँ अपने बारे में? देखा जाए तो एक्चुअली आई रियली डोंट वांट हिम टू चेंज
हालांकि हर दिन मैं उनको किसी ना किसी चीज़ पे टोकती रहती हूँ कि आप टाइम स्पेंड नहीं करते, आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इफ़ आई एक्चुअली हैड टू चेंज हिम एट ऑल, आई डोंट थिंक यू नो I don't think I would be as happy, you know, to see that. So I'm very happy the way he is. मुझे बहुत ध्यान से सुनना है. So what about that quality which you don't want to change? Or too many qualities that I have to say. हाँ तो बोलो. I mean. आज आपका दिन है सर. बर्थडे पे तो बनता है. His I mean of course his sensitivity and intelligence for which I married him, the deep understanding that he has of people, his love for people, his sense of caring and empathy for people. I think those are the qualities that most attracted me to him, and also his incredibly sharp creative mind, you know, his ability to understand ideas, the potential of ideas are things that I mean are unique to him, and those I'd never, you know, I really hope don't change. Or बस बस अब आज के लिए इतना ही. अच्छा लग रहा है आज के लिए. मेरी अच्छी बर्थडे जाने वाली. Well, I think Kiran has been someone who has been a major force in my life, and I think जब से किरण मेरी जिंदगी में आई हैं तो मुझे लगता है मुझ में भी एक तब्दीली आई है. पहले मैं बहुत ज़्यादा संजीदा था, बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो एक सेंस ऑफ जॉय और एक एक एनर्जी आई है मेरे ज़िंदगी में किरण के आने से. सर कल से वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, तो अरे ये सब इंटरनेशनल सुपरस्टार, इंटरनेशनल सुपरस्टार नहीं, देखिए वो सब आप लोग डिसाइड करते हैं. लेकिन हम लोग मैं तो सोचता नहीं उन सब चीज़ों के बारे में. आई एम जस्ट डूइंग द वर्क दैट आई लव डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई that the work I do is appreciated by people. In your long-standing career, you, Shahrukh and Salman have always been pitted against each other. But today, as you celebrate the 53rd birthday and still reigning superstar, is it difficult to not be competitive with the other two Khans? I don't think I'm competitive at all with them. And I don't think they are either. We are all doing our own stuff. If at all, I'm competing with myself. If there's anybody I'm competing with, it's myself. I'm trying to challenge myself to better work. Yeah, I feel happy when I see other people's good work. So you are never a competition also from your side? No, never. We'll take last question, please. What happened at Dream Project Mahabharat? 2020 is what you had said. You know, let me say this, that there are a number of things I'm working on. And as soon as I'm clear about what I'm doing, where I'm doing, I'll tell you. But right now, I'm just working on a number of things. Sir, guys, will you take this last question, please? Sir, जब हम theatres की बात की चाइना में जो theatre है, जिसमें कि film industry उसको boom मिला है, theatre बढ़ने की वजह से, एक चीज और चल रही है कि जो हमारे जो superstars हैं, उनकी fees को लेकर के भी बात चल रही है कि उनको अपनी fees में थोड़ी कटौती करनी चाहिए ताकि film में ज़्यादा investment हो जाए. आपकी क्या राय है इस बारे में? Actually, मैं तो fees लेते नहीं हूँ. आपको पता नहीं ये बात? बहुत साल हो गए मैंने फीस लेना बंद कर दिया. सर बट यू आर आल्सो नोन, तो जो फिल्म अगर कम कमाती है तो मैं कम कमाता हूँ, फिल्म ज्यादा कमाती है मैं ज्यादा कमाता हूँ, तो मैं तो फीस लेते ही नहीं. वो तो आप फिल्म में देखिएगा, बता देंगे. Yeah, actually there are many, but I won't share them now. Thank you guys, thank you. Yeah, well, right now my entire team of Satyame Vijayate is working on the water project that we are doing. It's been 3 years since we have been working, Pani Foundation. So the entire team is working on that, Kiran and I also working on that. And in the first year, humne 3 taluka mein kaam kiya. दूसरे साल में 30 तालुका में काम किया, और इस साल जो तीसरा साल है हम 75 तालुकाज में काम कर रहे हैं, 75 तालुकाज में हम काम कर रहे हैं. सो दैट समथिंग दैट वी आर डिवोटिंग ऑल आर टाइम टू, और इसलिए हम टीवी पे नहीं हम आ पाते हैं. यू नो सत्यमेव जयते की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, बट
Okay, yeah, what's your question? But small screen pe the shows are coming, Marathi shows. Yeah, I'm from Maharashtra Times. So, sir, I just want to ask you a question. You are doing some show in Marathi. Yeah. That the first time. So, what's your thinking about? Well, that show that I'm doing in Marathi is for the same, for the water work that we are doing, Pani Foundation ka jo kaam hai, haan. तो आपने जैसे पूछा कि टीवी पे हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो टीवी पे हमारा भी आने वाला है, मराठी चैनल्स चैनल जी मराठी पे आने वाला है हमारा शो. और जो हम काम कर रहे हैं उसको लेकर हम एक एक जर्नी बना रहे हैं ताकि लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों. हम रूरल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, गाँव खेड़े में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर के लोग भी उसके साथ जुड़ें. और हमने अभी हाल ही में देखा था, एक बहुत बड़ी रैली भी हुई थी किसानों की. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शहरी लोग जो हैं हम उनके साथ जुड़ें और उनके समस्याओं को समझें और हो सके तो हम उसमें हाथ बटाएं. सो दैट इज़ आई फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन प्लीज. किसानों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पानी ही है और आप जिस तरह से उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है शो से और अगर कुछ होगा और बॉलीवुड से और भी? आई होप इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी 3 साल में बहुत सफलता मिली और हम चाह रहे हैं कि इसको और हम बड़ा बनाएं. और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शहरों में रहते हैं, मुंबई पुणे नासिक जो महाराष्ट्र के अलग अलग बड़े शहर हैं, वो इसमें अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और हम उनको न्योता भी देंगे सही वक्त पे इन्वॉल्व होने का, तो वो गांव में जाके गाँव वालों के साथ मिलजुल के श्रमदान कर सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. So thank you guys. Thank you.